और एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट अब खुली अदालत में सुनवाई को तैयार हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि केंद्र सरकार की रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब खुली अदालत में जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मेरे सहयोगी महेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। महेश, जहां तक हम और एक आम आदमी इस खबर को जानता है, कल तक इस रिव्यू पिटीशन पर कहा जा रहा था दो जजों की खंडपीठ इस पर सुनवाई करेगी, बंद कमरे में सुनवाई होगी। अब ये खुली अदालत में जो सुनवाई है, इसका मतलब क्या है, क्या पूरी खबर है? देखिए, जब भी किसी भी मामले में कोई पुनर्विचार याचिका दायर होती है तो जो उसमें पिटीशन फाइल करने वाला होता है या जो उसमें प्रतिपक्ष होता है रेस्पोंडेंट, वो लोग जो है रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं या कभी कभी सरकार आ जाती है। तो इस मामले में सरकार ने पहले जो है पुनर्विचार याचिका दायर की है। तो पुनर्विचार याचिका हमेशा वही जज सुनते हैं जिन जजों ने उसमें फैसला सुनाया होता है, और वो उसको ओपन कोर्ट में नहीं सुनते, उसको अपने चैम्बर में सुनते हैं लंच समय में, और इसमें दोनों पक्षों के कोई वकील भी नहीं होता। फिर वो रिव्यू पिटीशन पढ़कर फैसला ले लेते हैं कि इसको जो है ओके किया जाता है या उसको जो है खारिज किया जाता है। लेकिन कभी कभी जो है ये मांग की जाती है कि बड़ा मामला है, सेंसिटिव इश्यू है, उसको ओपन कोर्ट में सुना जाए। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट इसको ओपन कोर्ट में सुनने के लिए तैयार हो गया है, और आज अटोर्नी जनरल ने जस्टिस ए के गोयल की कोर्ट में मेंशन किया था, और ए के गोयल के साथ इस मामले में फैसला सुनाने वाले दूसरे जस्टिस यूवी ललित, जो कि आज जस्टिस ए के गोयल की कोर्ट में नहीं है इस समय, वो दूसरी कोर्ट में शामिल है, दूसरी बेंच में। तो जस्टिस ए के गोयल ने कहा कि आप चीफ जस्टिस के सामने मेंशन कर लें, चीफ जस्टिस अगर 2 बजे नई बेंच बना देती है जिसके अंदर जस्टिस पुरोदमनन के दोनों पुराने जज शामिल हों, तो आज भी इस मामले को सुन सकते हैं। और अब महेश, एक चीज और इसमें जानना चाहेंगे, कल जहां तक अभी आपने खुद भी कहा कि अब तक ये था कि अपने चैम्बर में सुनते थे या फिर इस तरह के रिव्यू पिटीशन वही जज सुनते थे जिन्होंने फैसला सुनाया, और कोई भी वकील या किसी भी पक्ष का जो वकील होता था वो इस पर बहस या अपना कोई सवाल नहीं रख सकता था। अब क्या माना जाए कि इसकी भी छूट होगी? ओपन कोर्ट के अंदर सुनने का मामला ही मतलब ही ये होता है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार ने जो अपनी प्रेयर है, मुख्य प्रेयर ही यही लिखी है कि इस मामले को, रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में सुना जाए। ओपन कोर्ट के मायने ये हैं कि इसमें जो सरकार के वकील हैं वो भी ओपन कोर्ट के अंदर खुली बहस करेंगे, अपने तर्क वितर्क रखेंगे, और जो दूसरे पक्ष के वकील हैं वो भी इसमें तर्क वितर्क रखेंगे। तो यानी कि खूब लंबी बहस चलेगी, कई दिन बहस होगी। तो इसे ऐसे फ्रेज किया जा सकता है कि इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई हो रही है, या आप बिल्कुल यही कह सकते हैं कि इस मामले में दोबारा से खुली अदालत में सुनवाई होगी। जी, खुली अदालत में इस पर दोबारा से सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। महेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार मैं दोबारा ही दर्शकों को बता दूं, कल तक जिस रिव्यू पिटीशन पर केंद्र सरकार ने जो जवाब दाखिल किया था, रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट तैयार तो हो गई थी सुनवाई के लिए, लेकिन दो जजों ने वापस उसे सुनना था और उसे बंद कमरे में या फिर अपने चैंबर में सुनना था जिसमें कोई वकील मौजूद नहीं होता, ना कोई सवाल किया जाता था, क्योंकि ये मैटर बड़ा है। केंद्र सरकार सुबह से ही इस चीज की पोस्टरिंग कर रही थी, लॉ मिनिस्टर भी लगातार इसे कह रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में इस पर सुनवाई को तैयार हो गया है।